हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट और कर्नाटका की बीजेपी में आज से एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। कर्नाटका में शिगगांव के 3 times MLA, 61-year-old इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर SR बोम्माई के बेटे बसवराज सोमप्पा बोम्माई ने आज कर्नाटका में 26 चीफ मिनिस्टर आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने हैं। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उनको आज राजभवन में एक ब्रीफ सेरेमनी में ओथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया। BS येडियुरप्पा के रिसिग्नेशन के बाद उनके क्लोज लेफ्टिनेंट कहा जाने वाले SR बोम्माई को सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ने फाइनलाइज किया। हालांकि कल सुबह तक अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से जितने नाम प्रोबेबल लिस्ट में जो आ रहे थे उसमें कई सारे नाम थे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर मुरुगेश निरानी का नाम था, अरविंद बल्लत का नाम था, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का नाम था, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी CT रवि का भी उसमें नाम आ रहा था। लेकिन इन सारे नाम को हटाकर सेंट्रल बीजेपी ने बसवराज बोम्माई को कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया है। अब बीजेपी के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बसवराज सोमप्पा बोम्माई, इनके पास 20 महीने का टर्म है। चुनौतियां बहुत सारी इनके पास, कर्नाटका में जितने फ्लड्स आए जहां से बारिश की वजह से बर्बादी हुई है, और कर्नाटका में अभी भी कोविड का सेकेंड वेव ख़त्म नहीं हुआ है, और साथों साथ कारोबार जो जितने ठप हैं और इतने लोग जितने मजबूर हैं बिजनेसेस को अपने घरों को लेकर, ये सारी चुनौतियों को लेकर ये कांटों के ताज पर आज बसवराज सोमप्पा बोम्माई ने इस विधानसभा के 3rd floor के ऑफिस में आज उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। मज़ेदार बात यह है कि जो JDS को टैग दिया जा रहा था हमेशा जनता दल पार्टी को कि ये मिशनरी फैक्ट्री है लीडर्स को बनाने की, आज उसमें और एक स्टार बढ़ जाता है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि जितने लीडर्स जनता दल में जाकर वहाँ से निकलकर या कांग्रेस में या BJP में गए हैं, या तो वो मैक्सिमम MLC बने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा MLA बनकर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता परिवार से आने वाला एक लीडर BJP में आकर आज कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। अगर बसवराज सोमप्पा बोम्माई की अगर हम बात करें तो एक ऐसे लीडर हैं जो कई सारे लीडर्स के साथ जितने भी अक्रॉस द पार्टीज हैं सबके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जितने भी कर्नाटका में कम्युनिटीज हैं हर कम्युनिटी के साथ इनका कम्युनिकेशन, हर ये इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। एज ए पार्लियामेंटरी मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, ये सारे एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए, और साथ ही साथ क्योंकि ये लिंगायत वीरशैवा कम्युनिटी से आते हैं, नॉर्थ कर्नाटका से आते हैं, और येडियुरप्पा की टीम के सबसे मेन लेफ्टिनेंट हैं, इसीलिए सेंट्रल BJP के जो प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो, या इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका नाम मंजूर किया और आज ये 26 चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, अब इन चुनौतियों को लेकर अगले 20 महीने का टर्म ये किस तरह से करते हैं ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ कांग्रेस और JDS वो भी अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करें कि किस तरह से इस गवर्नमेंट का वो ऑब्जर्व करेंगे अगले 6-8 महीने, फिर अगले 2 साल में जो 2023 में जो इलेक्शन आएगा उसके बाद BJP किस तरह से किसकी लीडरशिप में यहाँ पे इलेक्शन करती है ये देखने वाली बात है।